तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अटल भाई, फिर से स्वागत है खैर मकदम है एक और बढ़िया सा इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग लेकर। कहाँ से? तो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा कहाँ का मिला था, तो बिहार का मोस्ट टूरिस्ट प्लेस जी हाँ वैशाली, आपका भाई वैशाली आ चुका है। और मैंने कहा था कि रेलवे, मैंने पहला ब्लॉग में बताया था कि वैशाली रेलवे स्टेशन के पास कोई भी होटल नहीं मिलने वाला है, बट मैंने ना एक होटल आपके लिए खोजा है, होटल राजलक्ष्मी, कुछ इस तरीके का होटल राजलक्ष्मी है। मैंने इसका ब्लॉग ना पिछले साल बनाया था और सारा रूम वगैरह मैंने दिखलाया था, डोमेट्री, एसी, सिंगल, डबल बेडरूम, एसी रूम, सबका मैंने ब्लॉग आपको बनाकर, वीडियो बनाकर दिखाया था कि यह कितना बेस्ट होटल है उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, के तौर पे आ रहे हैं, घूमने के लिए आ रहे हैं, इसलिए ये राजलक्ष्मी ना बेस्ट होने वाला है। तो मैंने देखा कि पिछले एक साल हो गया है, पिछले साल बनाया था, तो हमने देखा चलिए फिर से एक बार कवर करते हैं क्या प्राइस बढ़ा है, घटा है, क्या इंक्रीज़ हुआ है, कितना बढ़ा है। तो मैंने आगे पता किया तो यहाँ पर कोई प्राइस बढ़ा नहीं है, पिछले साल वाला ही रेट है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 200 रुपये में डोमेट्री, 600 रुपये में सिंगल बेड, 800 रुपये में डबल बेड, 1200 रुपये में एसी, वही प्राइस यहाँ अभी भी मिल रहा है। और ऐसे में बता दूँ साथ ही साथ इसके अलावा ना, हम आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना 10 कदम, तो गौतम बुद्ध का जो स्तूप है उसके जस्ट मेन गेट के बगल में ही यह होटल है, ज़्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है। और ऐसे अंदर जाइएगा ना, स्तूप है उसके अंदर जाइएगा ना, तो भी वहाँ बहुत सारे रूम आपको मिल जाएंगे सस्ते, मतलब सस्ता तो नहीं मिलेगा लेकिन सब महंगा मिलेगा, 500 से स्टार्टिंग होगा और इस तरीके का सब ऊपर बैक टू बैक आपको बहुत सारे होटल्स मिलते जाएंगे। लेकिन ये जो होटल जो है ना, होटल राजलक्ष्मी, ये बस आपको मेन रोड पर ही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है और यहाँ इजीली आप रह सकते हैं। इसका पूरा वीडियो का देखना है ना, अगर आप चाहें इसका पूरा मैं रूम वगैरह देखूँ, तो आप उसे बोलना है यूट्यूब पे वैशाली का सस्ता होटल, तो मेरा वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को आप देखिए, सारा मैंने रूम का टूर करवाया है। तो बस ये इसे होटल से इस साल यही इन्फॉर्मेशन है कि कोई प्राइस नहीं बढ़ा है और आप इजली यहाँ के एग्ज़ाम देने आएँ या रहने आएँ तो आप रह सकते हैं। कोई भी सवाल जुड़ा हुआ हो इस होटल से जुड़ा हुआ, आप हमें कमेंट करके पूछिए, आपका भाई जवाब देगा। और ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद हम लोग चलेंगे नए शहर में और आपको बढ़िया जानकारी देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।